स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपालिस किचन में। आज हम बनाएंगे मैगी से स्प्रिंग रोल, और ये इतने टेस्टी स्प्रिंग रोल बनते हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैगी से बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स। आटा गूंदने के लिए मैंने एक परात ले ली है, इसके अंदर जो पहले हम मैदा डालेंगे। और अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे, और बीच में इसके अंदर एक गड्ढा सा बना लें आप, और इसके अंदर आप 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें। आधा चम्मच इसके अंदर नमक डालें। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है अपने हाथों से। मैंने 1 कप पानी लिया है, बिल्कुल तैयार हो गया है और बिल्कुल सॉफ्ट भी है। इसको हम 15 मिनट के लिए एक गीले कपड़े से ऐसे ढककर रख देंगे रेस्ट के लिए। जितने जो हमारा आटा है वो इतने तैयार हो रहा है, रेस्ट कर रहा है, इतने हम अपने जो नूडल्स हैं उनको तैयार कर लेते हैं। अपने नूडल्स बनाने के लिए मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल अच्छे से काट के रख लिया है। ये 1 बड़ा टमाटर है जिसको मैंने काट लिया है। ये हरा धनिया है, और ये थोड़ी सी केचप है, 2 चम्मच केचप है। और मसालों में हम 1 चम्मच नमक लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, और जो मैगी के साथ मसाला आया था वो लेंगे। नूडल्स बनाने के लिए मैंने एक ये जो है कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर अब हम 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ये मैंने 3 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसको हम गर्म होने देंगे। इस ऑयल में मैंने अपने प्याज डाल दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब तक इसमें कलर नहीं आ जाता, थोड़े से रेड नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं ये जो हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो गए हैं, थोड़े थोड़े पिंक हो गए हैं, और इस पर कलर भी बिल्कुल अच्छे से आ गया है, आपको दिख ही रहा होगा। अब इन प्याज के अंदर हमारे जो मसाले थे नमक और लाल मिर्च, वो हम इसको डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तभी हम जो है अपने टमाटर इसमें डाल देंगे। तो लो फ्लेम पे कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें मैंने 1/2 कप जितना पानी डाल दिया है। इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं जो टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। ये मैंने इसको बस 2 मिनट ढक के रखा था, उसके बाद ये ऐसा हो गया है। इसके अंदर अब हमें जो नूडल्स जो हैं हमारे वो हमें डालने हैं। ये मैंने सुखा के रखे थे ना, तो ये सूख चुके हैं बिल्कुल। तो हमें मिक्स करना है।
अब हम इसके अंदर हमारे जो कैचअप है वो हम ऊपर से डालेंगे। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमारा जो मैगी मसाला था ना, जो मैगी के पैकेट में से निकला था, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर। मैगी मसाला हम सारा इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको हम 2 मिनट के लिए बस लो फ्लेम पे ढककर रख देंगे और इसको पकने देंगे। हमारे जो नूडल्स है 2 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार हैं। इसके अंदर अब हमने जो धनिया काट के रखा था वो डाल देंगे ऊपर से। अब इसको मिक्स करेंगे। आप इसको नॉर्मली घर में भी बना के देखोगे और खाना ना बहुत टेस्टी लगती है। ये ज़रूर नहीं स्प्रिंग रोल में ही खाओ। देखो बिल्कुल रेडी है ये हमारी मैगी एंड की नूडल्स जो हमें स्प्रिंग रोल के लिए बनाने थे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट में डाल लिया और लग गया ना कितनी टेस्टी। आप इसको चाहे ऐसे भी खा सकते हैं। चलिए अब हम अपने शीट्स बनाते हैं स्प्रिंग रोल के लिए। इसको अब हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ताकि ठंडी हो जाए। ये बहुत गर्म है अभी। शीट्स बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ उसके लिए हमें एक गम बनाना पड़ेगा। वो बिल्कुल ईजी है, वो मैं आपको बताती हूँ। बस इसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हमें मिलाते हैं। तैयार है, मैंने इसको ऐसे कर लिया है। थोड़ा डार्क भी है, थोड़ा मतलब गाढ़ा भी है ये। ऐसे बिल्कुल चिपक भी जाएगा जो हमारी शीट्स हैं। इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसकी जगह आप पानी नहीं ले सकते हैं, आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। चलिए आइए अब हम अपना जो है हमारी शीट्स बनाते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ऐसे। ये आप देख सकते हैं जो हमारा आटा था बिल्कुल रेडी है। ये देखो कितना सॉफ्ट है ये। इसको अब हमें छोटे छोटे से इसके गोल गोल बनाना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है आपको ये इवन नंबर में बनाना है, मतलब 2, 4, 6 ऐसे बनाना है। वो मैं बताऊंगी आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आपको ऐसे ऐसे बना देना है। आप देख सकते हैं मैंने ये 10 बना लिए हैं और जैसे मैंने कहा था आपको इवन नंबर में ही बनाना है आपको, तो वैसे मैंने बना लिया है। अब बताती हूँ मैं आगे क्या करना है आपको। मैंने एक आयरन तवा गरम करने के लिए रख दिया है। इतने हम अपने जो शीट्स है वो बनाते हैं। मैंने मैदा लगा के थोड़ा इसको हमें बेलना है। बिल्कुल इसको हमें छोटा छोटा ही बेलना है। सिर्फ इतना। दूसरा हमें जो लेना है उसको भी हम मैदा लगाएंगे थोड़ा सा। इसके ऊपर अब हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है। लगा के अब इस पर थोड़ा सा हमें मैदा डालना है। ऐसे जो ये वाली थी उस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस पर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको हम एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे और धीरे धीरे करके इसको वहाँ से बेलेंगे। रेडी है। अब हमारी जो शीट है वो मैं डालती हूँ। इसमें मैं जो अपनी रोटी की शीट्स है इसको डालूंगी। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी फूल गई है। ऐसे हमें सेकनी है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिक गई है यहाँ से। अब ऐसे ही दूसरी वाली साइड से भी हमें ऐसे ही करना है। ये आप देख सकते हैं पीछे से भी सिक गई है। बस हमें इतना ही सेकना है इसको। एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसको जो शीट्स है ना इनको हम अलग करेंगे। ऐसे करके बिल्कुल आराम से ये अपने आप ही अलग हो जाएंगी। गर्म है काफ़ी।
ऐसे हम इनको अलग अलग करके रख देंगे। ऐसे जितने भी हमारी जो रोटियां हैं वो हम बना लेंगे, मतलब शीट्स बना लेंगे। मैं आपको बताती हूँ ये शीट्स को हमें कैसे रखना है। ये जो इस साइड पे जो हमने खोली थी वो यहाँ पे रखनी है। हमारी जो मैगी है इसको मैं धीरे धीरे करके यहाँ 2 चम्मच यहाँ पे बस डालूँगी। मैंने 2 चम्मच मैगी डाल ली है। और हमने जो ये अपना बनाया था गम, इसको हम मेरे सारे जो स्प्रिंग रोल्स हैं बनकर तैयार हैं। और ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने इनको रैप कर दिया है। चलिए अभी हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से गर्म होने दें, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम धीरे धीरे करके अपने रोल जो है वो डालेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्राई हो गया है एक साइड से, इसको मैंने पलट दिया है। बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको बिल्कुल अच्छे से झरा के प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम एक करके सारे जो हैं ये फ्राई कर लेंगे। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये रेसिपी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी लंबी हो गई, पर लेकिन बहुत टेस्टी बनेंगे। या ज़रूर बनाकर देखना, इतना मुश्किल भी नहीं है। घर में आसानी से मिल जाएगा जो सामान, उसी से आप बनाओगे। अभी फ्राई हो गए हैं, चलिए हम इनको निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हैं। चलिए आइए अब इनको सर्व करते हैं। ये देखिए तैयार है हमारे स्प्रिंग रोल, और कितने टेस्टी लग रहे हैं ये देखिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हमारे स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हैं। चलिए आइए अब इनको सर्व करते हैं। ये देखिए तैयार है हमारे स्प्रिंग रोल, और कितने टेस्टी लग रहे हैं ये देखिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।